माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार प्रमुख विपक्षी दल की जो डबल स्टैंडर्ड है और डबल नीति रहती है उसका एक परिचय इस सदन में कल और आज हमें देखने को मिला। माननीय पूर्व वित्त मंत्री उत्तर जो यूपीए की सरकार के वित्त मंत्री थे और उनका पहला बजट स्पीच 2004-05 को मैं यहां थोड़ा कोट करना चाहूंगा। एंड आई कोट पूर्व वित्त मंत्री जो उन्हीं की पार्टी के थे, इनके शायद वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन आर यूजफुल इकोनॉमिक टूल्स, वी विल सिलेक्टिवली एम्प्लॉय दीज टूल्स कंसिस्टेंट विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसी। एज अ फर्स्ट स्टेप आई प्रपोज टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द बोर्ड विल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स टू बी टेकन टू रिस्ट्रक्चर पीएससीज इंक्लूडिंग केसेज विद डिस इन्वेस्टमेंट और क्लोजर और सेल इज जस्टिफाइड। ये थी कांग्रेस की नीति। सुनने का साहस रखो भाई, सब आ रहा हूं। कभी हमने आपके जवाबों सवालों को जवाब देने में हिचकिचाई नहीं। अरे सुनो जरा, जरा सदन को भी बता दे कि इनकी दोगली नीति कैसी चलती है। फिर माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी लाना था देश में, जीएसटी के लिए एक कॉरपोरेशन बनानी थी, उसकी कॉरपोरेशन कांग्रेस की सरकार ने 28 मार्च 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, यानी पूरे देश का जीएसटी का डेटा एक प्राइवेट कंपनी को देना और उसके अंदर भी मेजॉरिटी स्टेट प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया, जिसमें पूरा जीएसटी का डेटा जिसके अंदर था। हमने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे इसको सरकारी कंपनी बनाया। मुंबई दिल्ली के एयरपोर्ट जनवरी 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अनाउंस किया एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और दोनों एयरपोर्ट उसी हाथों में दे दिए। ये है कांग्रेस की नीति। फिर बजट की 2005-06 में उस समय के वित्त मंत्री फिर एक बार क्या लिखते हैं, स्टैंप ड्यूटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेटाइजेशन, ये शब्द है, स्टैंप ड्यूटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेटाइजेशन द सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज अमेंडेड रिसेंटली। उन्होंने एनिलेटेड प्रश्न पूछा, एज अमेंडेड रिसेंटली रिक्वायर्स ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस टू बी कॉरपोरेटाइज एंड डी म्यूचुअलाइज, दीज स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉट येट कॉरपोरेटाइज। In order to facilitate their corporatization, I propose to grant a one-time exemption to them from stamp duty on the notional transfer of assets. अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस सरकार ने कॉरपोरेटाइजेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन किया था। हमारी सरकार ने इन प्रोडक्शन यूनिट्स में जॉब्स आए, निवेश आए, ग्रोथ हो, बड़े जनता की सेवा करें, अच्छे मॉडर्न एलएचपी कोचेस बनाए, एल्यूमिनियम कोचेस बनाए, ट्रेन सेट बनाए, इलेक्ट्रिक से चलने वाली अच्छी ट्रेनें बनाए, उसके लिए इसको कॉर्पोरेटाइज करना, इससे बड़े रूप से निवेश आना। लेकिन हमने जो लिखा है उसमें कॉर्पोरेटाइज होने से सरकार की मालिकी रहेगी, हम अपने हाथों में उसके पूरे शेयर रखेंगे, इनकी तरह नहीं कि निजी क्षेत्र को उठा के बेच दिया। हम उसको कॉर्पोरेटाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यही पैक्टी 2007-08 में अनाउंस की, अनाउंस करने के बाद कुछ काम नहीं किया। आस्ते आस्ते 2014 आ गया, 2014 तक इस कोच फैक्ट्री ने एक भी कोच नहीं बनाया था। एक पेंट मारते थे या पेंट करते थे, कोचेज आईसीएफ से आते थे, कोचेज कपूरथला से आते थे। इनकी सरकार की सिर्फ घोषणाएं थी, काम नहीं होता था। हमने उस फैक्ट्री को चलाया, फैक्ट्री में लोगों को नौकरी दी जो कांग्रेस ने कभी नौकरी नहीं दी थी, वो नौकरियां भी लोकल लोगों को देश भर में मिली।
उस फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 1422 कोच बनाए, 1000 की क्षमता की फैक्ट्री ने 1422 बनाए। ये हमारी सरकार का काम करने का ढंग, आपकी तरह दोगले बच्चन और बेबुनियाद बातें नहीं करते। निरंतर न्यूज अपडेट कोसम चैनल नो सब्सक्राइब चेंडी, पक्कने उंडे बेल सिंबल नो क्लिक चेयडम मर्चिपोकंडी, अपडेट्स नी मिस अवकंडी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर, फॉलो ऑन फेसबुक गूगल प्लस ट्विटर इंस्टाग्राम। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब ग्रेट तेलंगाना टीवी।